धरियाबद उदयपुर मार्ग पर यात्रियों से भरी लोक परिवहन की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक धरियाबद बांसी मार्ग पर मायदा घाटे में बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही धरियाबद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल यात्रियों को धरियाबद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। तो ये बस हादसा सामने आया है, बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। धरियावद उदयपुर मार्ग पर यात्रियों से भरी लोक परिवहन की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद से लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि आखिर गलती किसकी है, सड़क बनाने वालों की क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर वाहन चलाने वाले की, क्योंकि अक्सर इस तरीके के हादसे सामने आते ही रहते हैं। दो लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक धरियावद बांसी मार्ग पर मायदा घाटी में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस बस अनियंत्रित होकर पलट गई और ये बड़ा हादसा सामने आया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, आपसे समझना चाहेंगे कि पहले तो आप ये बताएं कि गलती आखिर किसकी रही, और जानकारी ये साझा कीजिए कि आखिर इस बस हादसे में कितने लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से धरियावद उदयपुर मार्ग पर आज यात्रियों से भरी एक खचाखच बस, जो कि लोक परिवहन बताई जा रही है, वो हादसे का शिकार हुई है। यहाँ पर बांसी के कहते में मायदा के समीप ये जो बस जो है वो हादसे का शिकार हुई है, और बस यहाँ पर पलटने से जो करीब है 2 दर्जन से ज्यादा यात्री जो है वो घायल हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको जो बता दूं कि जो दो गंभीर रूप से जो घायल जो बताए जा रहे थे, वो उनकी जो है फिलहाल अभी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से धरियावद बांसी मार्ग पर घाटे में ये जो हादसा हुआ है, इसमें चालक और परिचालक को यहाँ जो है वो यहाँ पर उनकी गलती बताई जा रही है। जी, हादसे की वजह क्या रही गिरीश? क्या जो चालक था बस का, वो सही ढंग से बस नहीं चला रहा था? क्या उसकी नजर सड़कों पर नहीं थी? क्या वजह रही? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो लोक परिवहन बस है वो उदयपुर से धरियावद के लिए रवाना हो रही थी, और बताया जा रहा था कि ये एक बस जो है यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, यानी क्षमता से अधिक सवारियां इस बस में बिठा रखी थी, जिसके कारण जो है बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। जी ठीक है गिरीश, बस चालक के ऊपर क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हादसे की सूचना मिलने के बाद जो है धरियावद थाना पुलिस वो मौके पर पहुंची है, और घायलों को फिलहाल जो है धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां उनका उपचार जो है जारी है। इसमें ड्राइवर कंडक्टर को भी जो है यहां फिलहाल चोट लगी है, फिलहाल उनका जो है उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है, उसके बाद जो है पुलिस ने उचित कार्रवाई का जो है आश्वासन दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस अनियंत्रित होकर पलट गई, बताया ये जा रहा है कि बस ओवरलोड थी, इस वजह से बस अनियंत्रित हुई है।